कोरोना से बचाव के लिए नियमों के पालन के साथ वैक्सीन भी जरूरी है, जिसके लिए जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जगह जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवा रहा है और लगाने के लिए जागरूक भी कर रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीट सिंगाजी ताप परियोजना के आवासीय परिसर कॉलोनी सुलगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नर्मदा नगर मांधाता NHDC नर्मदा नगर मांधाता केंद्र मोहना पुनासा में लगेगी। पुनासा तहसील में बने 10 वैक्सीनेशन केंद्र पर 2200 के लगभग 18+ और 45+ के डोज लगाए जाएंगे, जिनको लगाने के लिए केंद्रों में भीड़ लग रही है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग घर से बाहर निकलकर आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। BMO रामकृष्ण इंगले के द्वारा सभी नियमों का पालन करने हुए केंद्रों पर वैक्सीन लगाए। कोरोना से इस लड़ाई में प्रशासन का साथ दें और भी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करें। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आज जो यहाँ पे टीकाकरण का आयोजन करवाया गया है, उसके लिए हमारा लोकल प्रशासन की तरफ से हमने हृदय से धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इस टीकाकरण से खासकर युवाओं को और कॉलोनी निवासी सभी लोग जन और आसपास की जितने सेवा प्रदाता हैं सभी अपना लाभ ले रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। धन्यवाद। आज भीड़ PSC पर 18+ और 45+ के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा रहा है कोविड का, और 2 रोज पहले भी यहाँ पर वैक्सीनेशन किया गया था, लेकिन कम डोज होने की वजह से सभी व्यक्तियों को टीकाकरण नहीं हो पाया, इसलिए आज अलग से टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें आज 300 डोज दिए गए हैं और सभी युवाओं को और सभी अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीकाकरण किया जा रहा है। सभी आकर के इस टीकाकरण का लाभ ले लेंगे ताकि हम COVID-19 महामारी से बच सकें। आज लगभग 9 केंद्र लगाए गए हैं, उसमें पहला भीड़ हॉस्पिटल है जहाँ पे 300 लोगों को लगाने का हमारा लक्ष्य है। उसके अलावा जीरा सिंधाजी पावर प्लांट में 300 लोगों का है, उसके बाद पुनासा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 200 लोगों को वैक्सीन लगाने का है, उसके बाद NHDC नर्मदा नगर में 500 लोगों का वहाँ पर कर्मचारियों के लिए है, उसके अलावा नर्मदा नगर सेंटर पर 200 लोगों को वैक्सीन लगाने का है, उसके बाद मोहना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 100 लोगों का, सुनगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 100 लोगों का, भारेश्वर सिविल अस्पताल में 200 लोगों का, और वहीं NHDC भारेश्वर में 400 लोगों को लगाने का है, और करीबन पूरे पुनासा ब्लॉक में 2200 लोगों को वैक्सीन भेजी गई है और हमारा लक्ष्य है कि सभी को आज वैक्सीन लगाई। खंडवा से रामपवार नायक की रिपोर्ट।